Hello my dear friends, welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Waseem I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today's point of discussion will be the Court of Judicial Magistrate under Criminal Procedure Code, in which we will discuss the composition of Judicial Magistrate First Class, Second Class and Chief Judicial Magistrate, as well as we will discuss a Special Judicial Magistrate. And we will discuss the question asked by the examiner in the prelim examination on this particular concept, as well as the probable question which may be asked by the examiner on this concept. So, aaj ka hamara point of discussion rahega composition of Judicial Magistrate, jisme hum discuss karne wale hain, JMFC ka kaisa composition rahega, कौन अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, सेकंड मैजिस्ट्रेट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को कौन अपॉइंट करेगा, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कौन है या स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, हम इसके बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। इस पे पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो इस पे एग्जामिनर पूछ सकता है वो भी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, सो सेक्शन 11 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड डील विद द कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। सो एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 11 सब क्लॉज 1, स्टेट गवर्नमेंट विद कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट स्टैब्लिश इन एवरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड ऑफ द सेकंड क्लास। सो एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 11 सब क्लॉज 1, स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर विथ कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट स्टैब्लिश इन एवरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। तो हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके, उससे बातचीत करके हर डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास JMFC को अपॉइंट करेगी और JMFC को अपॉइंट करेगी। तो ये फर्स्ट सब क्लॉज 1 है। सेकंड 1 इज स्टेट गवर्नमेंट विथ कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट मे ऑल्सो एस्टैब्लिश वन और मोर स्पेशल कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ डीलिंग एनी पर्टिकुलर केस और पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस। सो द स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल्सो हैविंग अ पावर आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट टू एस्टैब्लिश वन और मोर स्पेशल कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ डीलिंग ऑफ एनी स्पेशल मैटर और एनी पर्टिकुलर केस। तो स्टेट गवर्नमेंट को यह भी पावर है कि वो हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके डिस्ट्रिक्ट में एक या एक से ज्यादा स्पेशल कोर्ट भी एस्टैब्लिश कर सकता है, जो कि कोई स्पेशल मैटर को चलाने के लिए एस्टैब्लिश करेगा या कोई स्पेशल केस को चलाने के लिए एस्टैब्लिश कर सकता है। कौन? स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। नेक्स्ट वन इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट शाल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। तो जो JMFC और JMSCA स्पेशल कोर्ट है, इनको एस्टैब्लिश कर कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। बट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट शाल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। बट उस JMFC का वो कोर्ट का जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो अपॉइंट कर रहा है, वो जो कोर्ट है एस्टैब्लिश कर रहा है जो कोर्ट, उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट करने का पावर है हाई कोर्ट के पास। नेक्स्ट वन इज द हाई कोर्ट में कन्फर द पावर ऑफ अ JMFC और ऑफ द सेकंड क्लास ऑन एनी मेंबर ऑफ द जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट फंक्शनिंग एज अ जज इन अ सिविल कोर्ट। तो अगर कोई पर्सन सिविल कोर्ट में एज अ जज काम कर रहा है, तो ऐसे पर्सन पे JMFC के पावर हाई कोर्ट कन्फर कर सकता है या JMSC के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पावर भी कन्फर कर सकता है। अगर JMFC नहीं है, अगर JMSC नहीं है, उस सिचुएशन में किसी सिविल कोर्ट के जज को भी पावर कन्फर कर सकता है, उस पर पावर इंपोज कर सकता है कोर्ट हाई कोर्ट। सो दैट इज द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 11। सो सेक्शन 11 का जिस्ट हम देखें तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट को कौन एस्टैब्लिश कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर रहा है हाई कोर्ट से कंसल्ट करके। वैसा ही स्पेशल मैजिस्ट्रेट के स्पेशल कोर्ट को भी अपॉइंट कौन कर रहा है, एस्टैब्लिश कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद ऑफ हाई कोर्ट। और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट कौन कर रहा है?
High Court. That is the provision of Section 11. Probable question which may be asked by the examiner. Who can establish Court of Judicial Magistrate First Class and Second Class under Section 11 of CRPC? So provision is State Government. B. State Government with consultation of High Court. C. Session Judge with consultation of High Court. And D. State Government with consultation of Session Judge. तो यहाँ पर हम देखें तो हमने ऑलरेडी सब क्लॉज वन देखा है. सब क्लॉज वन ये कहता है कि इन एवरी डिस्ट्रिक्ट नॉट बीइंग अ मेट्रोपॉलिटन एरिया देयर शैल बी एस्टैब्लिश्ड एज मेनी कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड द सेकंड क्लास एंड सच प्लेस एज द स्टेट गवर्नमेंट मे आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट. सो यहाँ पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के कोर्ट को एस्टैब्लिश कौन कर रहा है? कोर्ट को. कोर्ट एस्टैब्लिश कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट विद कंसल्टेशन ऑफ High Court. So the option B is a correct answer. Now, Section 12, Chief Judicial Magistrate and Additional Chief Judicial Magistrate. So in every district, the High Court shall appoint a Judicial Magistrate of First Class to be the Chief Judicial Magistrate. So har district mein High Court kya karega? Judicial Magistrate First Class mein se hi kisi ek ko CJM appoint karega, Chief Judicial Magistrate. अपॉइंट करेगा. समझ रहे हो? हाई कोर्ट अपॉइंट कर रहा है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को. किसमें से? जेएमएफसी में से. कोई जेएमएफसी में से एक जेएमएफसी को चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकता है हाई कोर्ट. नेक्स्ट वन इज द हाई कोर्ट में अपॉइंट एनी जेएमएफसी टू बी एन एडिशनल सीजेएम एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड सच मैजिस्ट्रेट शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ सीजेएम अंडर दिस कोर्ट. तो हाई कोर्ट ही जेएमएफसी में से किसी एक पर्सन को एडिशनल सीजेएम एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहकर अपॉइंट कर सकता है और उसको पूरे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पावर हासिल होंगे एडिशनल सीजेएम को. नेक्स्ट वन इज द हाई कोर्ट मे डिजिग्नेट एनी जेएमएफसी इन एनी सब डिवीजन एज द सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट. और हाई कोर्ट जेएमएफसी को किसी सब डिविजन में एज अ सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट डिजिग्नेट कर सकता है. तो हाई कोर्ट क्या करेगा? किसी भी जेएमएफसी को सब डिविजनल एरिया में जो सब डिवीजन है सब डिवीजन में एज अ सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट डेजिग्नेट कर सकता है हाई कोर्ट. नेक्स्ट वन इज सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द सीजेएम द सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट शल एक्सरसाइज द पावर ऑफ सुपरविजन एंड कंट्रोल द वर्क ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इन हिज सब डिविजन. तो क्या होगा? सीजेएम के चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के कंट्रोल में सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? सुपरविजन के पावर एक्सरसाइज करेगा. कहां पर? सब डिवीजन में. किस पर? जेएमएफसी पर, जेएमएससी पर. समझ रहे हो? अगर सब डिविजनल एरिया नहीं है दूसरे एरिया में सीजेएम को पावर है सुपरविजन के जेएमएफसी के ऊपर और अगर सब डिविजनल एरिया है तो वहां पर सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को पावर है सुपरविजन का जेएमएफसी पे. सो दैट इज द प्रोविजन. नाउ 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है सेक्शन 12 पे उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन में और ये क्वेश्चन है हु विल अपॉइंट द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इन अ डिस्ट्रिक्ट. सो गवर्नर, हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज. तो अगर हमने देखे ऑलरेडी हमने प्रोविजन देखा हुआ है कि यहां पर स्पेसिफाई किया हुआ है इन एवरी डिस्ट्रिक्ट द हाई कोर्ट शल अपॉइंट द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास टू बी अ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. सेक्शन 12 सब क्लॉज 1 में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जेएमएफसी में से किसी एक को हाई कोर्ट एज अ सीजेएम अपॉइंट करेगा. सो द करेक्ट आंसर इज हाई कोर्ट. नाउ सेक्शन 13 स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. सो द हाई कोर्ट में इफ रिक्वेस्टेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सो टू डू कन्फर अपॉन एनी पर्सन हु होल्ड्स एनी पोस्ट इन गवर्नमेंट पावर ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इन रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर केसेस और टू पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ केसेस इन एनी लोकल एरिया नॉट बीइंग अ मेट्रोपॉलिटन एरिया. तो यहां क्या करेगा कि हाईकोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर सकता है कि ऐसे पर्सन पे कि जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का काम कर रहा है या कोई स्टेट गवर्नमेंट में कोई ऐसी पोस्ट हेल्ड कर रहा है उस पर स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पावर कन्फर करे. प्रोवाइडेड पावर शल नॉट कन्फर ऑन अ पर्सन अनलेस ही पजेस सच क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस इन रिलेशन टू लीगल अफेयर्स एज द हाई कोर्ट मे बाय रूल्स स्पेसिफाई.
तो जब कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट और हाई कोर्ट सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट के लिए, तो हाई कोर्ट ऐसे पर्सन को अपॉइंट कर सकता है जिसको लीगल क्वालिफिकेशन हो, एटलीस्ट उसको वो ग्रेजुएट हो लॉ में, तभी उसको हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा एज ए स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। किसके रिक्वेस्ट पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के, अदरवाइज नॉट। सो सच मैजिस्ट्रेट शैल बी कॉल्ड स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ऐसे मैजिस्ट्रेट को स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहा जाएगा, एंड शैल बी अपॉइंटेड फॉर सच टर्म नॉट एक्सीडिंग वन ईयर एट ए टाइम। और स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को एट ए टाइम एक साल के लिए अपॉइंटमेंट दिया जा सकता है, नॉट एक्सीडिंग वन ईयर, ज्यादा से ज्यादा एक साल, एट ए टाइम, एक टाइम में। फिर उसको वापस से रीअपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन एक टाइम में एक साल से ज्यादा के लिए उसको अपॉइंट नहीं किया जा सकता है स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को। द हाई कोर्ट में इंपावर स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ अ मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट इन रिलेशन टू एनी मेट्रोपोलिटन एरिया आउटसाइड हिज लोकल ज्यूरिसडिक्शन। तो हाई कोर्ट क्या करेगा, स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को मेट्रोपोलिटन एरिया में मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट के पावर कन्फर करेगा। अब सेक्शन 13 पे प्रोबेबल क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछ सकता है, अंडर सेक्शन 13 ऑफ सीआरपीसी स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इज अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ, कितने टर्म के लिए अपॉइंट किया जा सकता है, नॉट एक्सीडिंग वन ईयर, नॉट एक्सीडिंग टू ईयर, नॉट एक्सीडिंग वन ईयर एट अ टाइम, नॉट एक्सीडिंग थ्री ईयर्स। सो अगर हम देखें तो यहां पर जो सब क्लॉज 2 था सेक्शन 13 का, सच मैजिस्ट्रेट शैल बी कॉल्ड स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड शैल बी अपॉइंटेड फॉर सच अ टर्म नॉट एक्सीडिंग वन ईयर एट अ टाइम। द वर्ड इज यूज्ड नॉट एक्सीडिंग वन ईयर एट अ टाइम। यहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं क्वेश्चन में कि नॉट एक्सीडिंग वन ईयर भी है, और ऑप्शन फर्स्ट नॉट एक्सीडिंग वन ईयर है, और ऑप्शन थर्ड नॉट एक्सीडिंग वन ईयर एट अ टाइम है। सो द करेक्ट आंसर इज नॉट एक्सीडिंग वन ईयर एट अ टाइम, दैट इज अ करेक्ट आंसर। नाउ लोकल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेक्शन 14, सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफाइन द लोकल लिमिट्स ऑफ द एरियाज विद इन विच द मैजिस्ट्रेट अपॉइंटेड। तो सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के कंट्रोल में रह के चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो सीजेएम है वो मे फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफाइन द लोकल लिमिट्स ऑफ द एरियाज विद इन विच द मैजिस्ट्रेट अपॉइंटेड। तो हाई कोर्ट के कंट्रोल में चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, डिफाइन लिमिट करेगा जिसमें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का ज्यूरिसडिक्शन हो। तो ये बताएगा कि ये एरिया के लिए ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अपॉइंट किया गया है, ये लिमिट कौन डिफाइन करेगा, सीजेएम अंडर द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट। Then, provided that the court of a special judicial magistrate may hold its sitting at any place within the local area for which it is established. तो जो local area के लिए special judicial magistrate को establish किया गया है, तो उस particular local area में वो अपनी sitting को hold कर सकता है, वहाँ पर वो अपना proceeding चला सकता है। Then, except as otherwise provided, by such definition, the jurisdiction and power of every such magistrate shall extend throughout the district. तो जब तक कि specifically provided नहीं किया गया कि ये limit है ये court की, अगर specify नहीं किया गया तो उस situation में the jurisdiction and power of every such magistrate shall extend throughout the district. तो हर court के हर magistrate का power कहाँ तक चलेगा, थ्रूआउट द डिस्ट्रिक्ट, पूरे डिस्ट्रिक्ट में उस वो पावर एंटरटेन कर सकता है अपना, अगर स्पेसिफिक लिमिट डिसाइड नहीं की गई है तब। नाउ सेक्शन 14 पे पूछा गया क्वेश्चन, महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन जेएमएफसी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, कि वो था क्वेश्चन द ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सो एक्सटेंड थ्रूआउट द तालुका वेयर इन ही इज पोस्टेड, एक्सटेंड थ्रूआउट द डिस्ट्रिक्ट वेयर ही इज पोस्टेड, is coextensive with the area of the police station within his local jurisdiction and extend to the area as the district judge may define by special order. तो यहाँ पर हम अगर देखें तो section 14 sub clause 2 में बताया हुआ, except otherwise provided by such a definition the jurisdiction and power of every such magistrate shall extend throughout the district. अगर specify नहीं किया गया तो judicial magistrate का power throughout district वो entertain कर सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज
सेकेंड एक्सटेंड थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट वेयर ही इज पोस्टेड, जहां पर वो पोस्ट किया है, पोस्ट जहां पर वो हेल्ड करता है, वो थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट उसका पावर इंटरटेन कर सकता है. सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेक्शन 15. एवरी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट शाल बी सबऑर्डिनेट टू द सेशन जज. जो सीजेएम है वो सेशन जज के सबऑर्डिनेट होगा. एंड एवरी अदर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट शाल सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द सेशन जज बी सबऑर्डिनेट टू द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. और बाकी जितने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है अदर देन सीजेएम वो किसके कंट्रोल में रहेंगे, वो किसके सुपरविजन में रहेंगे, किसके सबऑर्डिनेशन में रहेंगे, सीजेएम के अंडर जनरल कंट्रोल ऑफ सेशन कोर्ट. तो सिचुएशन समझिए कि सेशन कोर्ट के कंट्रोल में है सीजेएम, सेशन कोर्ट के सबऑर्डिनेट है सीजेएम, सीजेएम के सबऑर्डिनेट है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स, जितने भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है वो सीजेएम के सबऑर्डिनेट है, लेकिन उस पर जनरल कंट्रोल किसका है, सेशन जज का. सब क्लॉज टू, द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल और गिव स्पेशल ऑर्डर कंसिस्टेंट विद दिस कोड एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमॉन्ग द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम. तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, जितने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उसके सबऑर्डिनेट है उनमें मैटर को डिस्ट्रीब्यूट करने का पावर है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास, सीजेएम के पास. प्रोबेबल क्वेश्चन, सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट शाल बी सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट सेशन जज, एडिशनल सेशन जज एंड असिस्टेंट सेशन जज. तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट शाल बी सबऑर्डिनेट टू, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट किसके सबऑर्डिनेट है, सेशन जज के सबऑर्डिनेट है सेक्शन 15 सब क्लॉज 1 के हिसाब से. तो सीजेएम किसके सबऑर्डिनेट है, सेशन जज के. सो दीज आर द पर्टिकुलर प्रोविजन विच वी हैव डिस्कस्ड. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, एंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बटन, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू वेरी मच.